वेलकम टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अबाउट लेंस स्टडी किया था और लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला स्टडी कर चुके थे, लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे जो μl है, μl आपके पास लेंस का रिफ्रैक्शन इंडेक्स है और μs सराउंडिंग मीडिया है उसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। R1 और R2 आपके पास में जो कर्व सरफेस होगी या लेंस का जो सरफेस है, उन सरफेस की आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ के बारे में स्टडी की जाएगी, पावर के बारे में स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। जब लेंस को अपन कंबाइन कर देंगे तो आपके पास में इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना रहेगा, पावर कितना रहेगा। यदि दो लेंस हैं आपके पास में, पास पास रखे हुए हैं, दूर दूर रखे हुए हैं, तो आपके पास फोकल लेंथ और पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ, आपके पास में बाई कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को इक्वल ले रहा हूँ, R1 बराबर R2 ले रहा हूँ। सपोज इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ आपका, तो इमेज इधर बनेगा, यानी ये वाला जो रेडियस होगा इस सरफेस का, वो आपके पास में R1 रेडियस होगी, यानी दिस वन R1, और आपके पास में ये डायरेक्शंस इंसिडेंट डायरेक्शंस में ही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस में ही है, तो R1 आपका पॉजिटिव आ जाएगा और R2 आपका ये वाला इस सरफेस का आपके पास में रेडियस R2 होगा, तो ये R2 क्या हो जाएगा आपके पास में, सर नेगेटिव आ जाएगा। गॉट इट? आपके पास में लेंस का रिफ्रैक्शन इंडेक्स में म्यू कंसिडर कर रहा हूँ और सराउंडिंग को मैं 1 ले रहा हूँ यहाँ पर। गॉट इट? तो देखो, पुट करो यहाँ फॉर्मूले में, तो आपके पास में जो मिल रहा है फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा, आपके पास रिफ्रैक्शन इंडेक्स लेंस का म्यू है, सराउंडिंग 1 है, -1, आपके पास में R1 R है और R2 का वैल्यू क्या है, -R, तो यहाँ प्लस का R कर दीजिए। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे 1/f का वैल्यू आ गया म्यू -1 और आपके पास में 2/R, जिसको आप लिख सकते हो एफ इक्विवेलेंट आपके पास में क्या आ जाएगा, R/2μ-1। गॉट इट? सही है। यदि सपोज ये एक स्पेशल में केस अप्लाई करता हूँ और आपके लेंस का रिफ्रैक्शन इंडेक्स कंसिडर कर लेते हैं 1.5, तो आपके पास में जो फोकल लेंथ है वो कितना आ जाएगा, R2 1.5 -1, दिस इज 0.5, 0.5 2 आपका 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल आ गया। सही है, ध्यान रखना ये मिरर नहीं है, लेंस है यहाँ पर, ठीक है। मिरर में आपके पास में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था ऑलवेज, चाहे कोई कंडीशन हो, चाहे कोई मिरर को आप लिक्विड में डिप कर दो या किसी मीडियम में डिप कर रहे हो, ठीक है, डजंट मैटर। पर लेंस का आपके पास में फोकल लेंथ चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडिया। यहाँ सराउंडिंग मैंने 1 लिया है और आपके पास में लेंस का रिफ्रैक्शन इंडेक्स कितना है, 1.5 है, तो इस केस में आपका फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस आपके पास में कॉन्वेक्स है, यानी आपके पास में इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका मैं कंसिडर कर रहा हूँ R, और आपका लेंस का रिफ्रैक्शन इंडेक्स 1 म्यू है और सराउंडिंग को 1 ले रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो देखो आपके पास में जो R1 होगा, R1 कौन सा, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये वाला R1 होगा, तो R1 तो आपका क्या हो गया, टेंस टू इन्फिनिटी, और R2 कितना हो जाएगा आपका, -R, तो फोकल लेंथ कितना आएगा, पुट कीजिएगा यहाँ पे आपका म्यू -1 और यहाँ पे 1/R1, यानी 1/∞ वो टेंस टू 0 चला जाएगा, और आपके पास में प्लस में 1/R आ गया, तो कितना बना म्यू -1/R, यानी आपके पास में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, R/μ-1। सिंपल सा लॉजिक आपके पास काम कर रहा है सर, दोनों सरफेस आपके पास कॉन्वेक्स था तो आपके पास R/2μ-1 था, बट एक प्लेन कर दिया मैंने तो कितना आ जाएगा, R/μ-1 रह जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। यदि वही सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं सर, म्यू का वैल्यू 1.5 हो, तो आपके पास में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपके पास में R और 1.5 -1.5 आपके पास आएगा, तो आप 2R बोल सकते हो। गॉट इट? आया समझ में? यानी फोकल लेंथ देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डबल हो गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज आपके पास में बाई कॉनकेव लेंस गिवन है, ठीक है, या सिंपल आपके पास में कॉनकेव भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ आप ये ऑब्जेक्ट हैं, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सरफेस होगी, इसका R1 रहेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कॉनकेव में आपको पता है जिधर ऑब्जेक्ट होता था वो वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R1 होता था,
ठीक है, यानी इसका आपके पास आर वन रहेगा, तो आर वन आपका क्या हो गया, या मैं सेम कंसिडर कर रहा हूँ तो माइनस का आर हो जाएगा, और आर टू कितना हो जाएगा आपके पास में, आर टू प्लस का आर हो जाएगा। तो देखिएगा आपके पास फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ, इसका रिफरेंट एक्स म्यू है, सराउंडिंग का वन है सेम, तो म्यू माइनस वन, तो यहाँ पे देखिएगा वन अपॉन माइनस में है, सॉरी आर वन का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये हम ऑलरेडी नेगेटिव हैं, और वन अपॉन आर, तो आपके पास में फोकल लेंथ कितना आ जाएगा एफ बराबर, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आर ऊपर आ जाएगा, ये माइनस में आएगा बट, तो माइनस का ट्वाइस म्यू माइनस वन। गॉट इट सर, आपके पास में कॉनकेव का भी यही आया था, कॉन्वेक्स का भी यही आ रहा है, बट ध्यान देना कि कॉन्वेक्स में आपके पास में पॉजिटिव आया था, सही, दोनों कॉनकेव, दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, तो मोर नेगेटिव आएगा, और ट्वाइस से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स थी, तो आपके पास में प्लस में आर अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस वन था। गॉट इट, सेम कंडीशन यहाँ भी आप अप्लाई करते हो, म्यू 1.5 रखते हैं, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस का आर ट्वाइस 1.5 माइनस वन, तो आर ये 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, यानी यहाँ भी फोकल लेंथ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, बट विथ अपोजिट साइन है, नेगेटिव है आपके पास में, क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। गॉट इट, ऐसे ही अपन बात करते हैं, मान लो यहाँ पे भी एक सरफेस को प्लेन कर दिया जाए, तो सर क्या होगा, यदि एक सरफेस को प्लेन कर देंगे तो आपके पास जो आर वन है, आर वन आपका टेंस टू इन्फिनिटी चला जाएगा, आर टू आपका प्लस का आर रहेगा सेम प्लस आर, तो कुछ नहीं करना, बस इसको आपको टेंस टू इन्फिनिटी कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, आपके पास में ये जो आप जैसे रेसिप्रोकल करोगे, तो देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ सर म्यू माइनस वन, और विथ नेगेटिव साइन वन अपॉन आर, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा इसका, आर अपॉन आपका विथ नेगेटिव साइन रहेगा और म्यू माइनस वन, जैसे आपके पास में यहाँ पे किया था, एक सरफेस आपने प्लेन रखा था, तो आपके पास में हाफ से जो डिवाइड कर रहे थे वो कैंसिल हो गया था, इन डबल हो गई थी फोकल लेंथ। गॉट इट, सेम देखो यहाँ भी डबल हो गई है, साइन आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्जिंग है। गॉट इट, हाँ, नेक्स्ट आप वो सेम म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1.5 रखा करते हैं सपोज, तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का आर, और 0.5 में से 1 माइनस होगा तो 1.5 में से 1 माइनस होगा तो 0.5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस का 2 आर। गॉट इट, लाइक सेम जो यहाँ आया था, सेम डेटा, तो देखो यहाँ मैचिंग हो गई है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, यदि मेरे पास में दोनों सरफेस मेरे पास में कॉन्वेक्स हैं, तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होगा, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी आपके पास में, एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा सर आर अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस वन, लिख लीजिए जल्दी से, ऐसा एक प्लेन सरफेस है, एक कॉन्वेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका आर अपॉन सर म्यू माइनस वन रहेगा। इसी तरह से दोनों सरफेस आपके पास में कॉनकेव हैं, तो क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर, नेगेटिव में रहेगा, और माइनस का आर अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस वन रहेगा। यदि एक आपकी प्लेन होगी तो सर उस केस में कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन आर अपॉन म्यू माइनस वन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंस। इस सपोज आपके पास में लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, और आपको उसको कट किया है, ऐसे वर्टिकली आपने कट कर दिया, इसको दो पीस में कन्वर्ट किया, ऐसे आपके पास में दो पीस कन्वर्ट हो गए, तो सर आपके पास न्यू पीस बन के आए हैं, उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, तो बेटे ध्यान रखना, आपके पास फोकल लेंथ आप बताया करते थे कि ऐसे आप लेंस हैं, और आपके पास में जो पैरेलल रे आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सेज के, वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती थी वही फोकल पॉइंट होता था। गॉट इट, तो यहाँ पे आपके पास में ये थिकनेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो जिस मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे, तो फोकल लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे फोकल लेंथ एफ है और इसका पावर पी है, तो यहाँ पे जो न्यू लेंस में बनेगा उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, 2f हो जाएगा, और पावर इनकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी सर पावर कैसे डिफाइन करेंगे, आपके पास में जो भी लेंस हैं उस लेंस की पावर से मीनिंग है कि वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, इन जो थीटा एंगल यहाँ बन रहा है इसको जाना ऐसे था, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल आपके पास में क्या है बेटे, आपके पास पावर आपके इसी एंगल को डिफाइन करेगी। सपोज ये आपके पास एच है, हाइट है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये आपके पास में फोकल लेंथ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यानी ये भी आपका लेंथ क्या होगी, इक्वल टू फोकल लेंथ रहेगी, और ये आपके ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, यानी ये एफ है, ये एच है, और ये एंगल थीटा है, तो यदि 10 थीटा यहाँ से फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास में एच आएगा,
और बेस क्या आएगा, एफ आएगा। इफ़ एच इक्वल टू वन, देन आपकी जो पावर है या टेन थीटा है, टेन थीटा कितना बन जाएगा, वन अपॉन एफ। और बेटा ध्यान रखना, वन अपॉन एफ ही आपका पावर की इक्वलेंट होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, पी इक्वलेंट टेन थीटा है। और यहाँ पे देखो एंगल बहुत ही कम है, जब एंगल बहुत कम होता है अप्रोक्स 4 रेडियन या उससे कम होता है, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा बन जाता है। यानी सर यहाँ पे पावर आपका थीटा के बराबर है, जो आपके पास जितना डिविएट हुआ ना वही पावर से डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ थिकनेस मैंने कम कर दी है, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये पहले मान लो थीटा डिग्री रोटेट कर रहा, पर थीटा डिग्री डाइवर्ट कर पा रहा था, तो अब थीटा डिग्री नहीं, आपका थीटा बाई 2 डिग्री ही डाइवर्ट कर पाएगा। ओके गॉट इट। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यदि सपोज यहाँ जो लेंस है उसको मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ ऐसे, तो आपके पास में इस तरह से दो पीस बनेंगे। सर इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो देखो यहाँ थिकनेस कम नहीं हुई, इसका मीनिंग इसकी फोकल लेंथ भी एफ रहेगी, इसकी भी एफ रहेगी। इसकी पावर पी है, तो यहाँ भी सेम पावर आपकी रहेगी, नो इन डाउट, क्योंकि थिकनेस आपने रिड्यूस नहीं किया, थिकनेस में कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है,